हेलो। इन द लास्ट वीडियो लास्ट वीडियो में जो हम लोगों ने डिस्कस किया था वो ये पॉइंट था कि एक एक्सटर्नल पॉइंट है ओ प्राइम, और वहाँ से दो आपके जो टेंजेंट चलते हैं और वो टेंजेंट जो है इंटरसेक्ट करते हैं किसी एक सर्कल को, तो वहाँ से जो डिस्टेंस हम लोग बोल रहे थे वो सेम था। तो क्या मैं पहले पिक्चर आपको दिखाऊँ जिससे वो आइडिया क्लियर हो आपको? तो वो जो कंसेप्ट था वो ये कंसेप्ट था। यहाँ ये एक्सटर्नल पॉइंट टी था, ये एक सर्कल, और इस सर्कल से ये टेंजेंट टी पी और टी क्यू। तो जो डिस्टेंस हमने कहा था कि टी टू पी और टी टू क्यू वो इक्वल रहेगा इस केस में। और यहाँ से अगर एक आप ये रेडियस ड्रा करते हैं तो इस टेंजेंट और रेडियस के बीच जो होगा 90 डिग्री का होगा। सिमिलरली फॉर लोअर वन, ये भी 90 डिग्री का होगा। तो ये पहला कंसेप्ट था और उससे रिलेटेड प्रॉब्लम हम लोगों ने की। तो आज ये नेक्स्ट जो टिप है और इसका आइडिया ये है कि अगर एक पॉइंट से स्टार्ट होकर दो टेंजेंट जब एक सर्कल पर इंटरसेक्ट करते हैं तो उनका डिस्टेंस सेम होता है, जैसे कि हमने अभी ऑब्जर्व किया। अगर एक यहाँ इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है ये एक सर्कल है, राइट, उस केस में। लेकिन व्हेन कंसेंट्रिक सर्कल्स होंगे, जब कंसेंट्रिक सर्कल्स का मतलब कि दो या दो से ज़्यादा सर्कल जिनका एक ही सेंटर हो, जैसे अभी एक आप ये पिंक कलर में देख पा रहे हैं, एक येलो कलर में देख पा रहे हैं, तो दो सर्कल हैं और दोनों का सेंटर ये है, तो ये कंसेंट्रिक सर्कल हुए। और जो बड़ा सर्कल है उसका रेडियस आर वन है और जो छोटा सर्कल है पिंक कलर उसका रेडियस आर टू है, राइट। तो हम क्या बात कर रहे थे? हम बात कर रहे थे कि जो ये टेंजेंट है जो यहाँ से इस पहले सर्कल पर डला है और यहीं से दूसरे सर्कल पर डला है, तो इनके जो डिस्टेंस है पी ओ प्राइम जो है वो इक्वल नहीं होगा टू दी ओ क्यू ओ प्राइम, राइट। यहाँ पर क्यू ओ प्राइम ये दोनों सेम नहीं होंगे, राइट। तो यहाँ ये पॉइंट हम लोग इसकी बात कर रहे हैं। तो ये सर्कल में क्या गिवन है? रेडियस पहले सर्कल की और दूसरे सर्कल की रेडियस हैं। दो यहाँ पर सर्कल लिए हुए हैं, वहाँ पर टेंजेंट डाले हैं अलग अलग से। एक टेंजेंट वन जो आप देख पा रहे हैं बड़े सर्कल पर ये है और छोटे सर्कल पर ये है। तो इस टाइप की कुछ प्रॉब्लम हो सकती हैं, तो उस प्रॉब्लम में मैं आपको ये तो पहले समझा ही चुका हूँ कि अब पी ओ प्राइम और क्यू ओ प्राइम इक्वल नहीं होंगे। तो इफ सपोज पी ओ प्राइम इज गिवन, ये डिस्टेंस जो है क्वेश्चन में गिवन है, तो ये हम लोगों को क्लियर होगा कि अब ये अगर कंसेंट्रिक सर्किल हैं सर्कल्स हैं तो क्यू ओ प्राइम उसके इक्वल नहीं है, वो डिफरेंट होगा। और यदि क्वेश्चन में क्यू ओ प्राइम गिवन है तो वह पी ओ प्राइम फाइंड आउट करने के लिए भी पूछ सकता है, प्रोवाइडेड आर वन एंड आर टू भी गिवन हो। ये जो रेडियस है पहले सर्कल की और दूसरे सर्कल की, ये रेडियस अगर गिवन है तब आप इस क्यू ओ प्राइम को फाइंड आउट कर सकते हैं। एक एग्जांपल के साथ हम लोग देखेंगे कि उस प्रॉब्लम को कैसे सोल्व करना है, राइट। एक छोटा सा स्टेटमेंट और वो स्टेटमेंट क्या है कि इस टाइप की प्रॉब्लम सोल्व करने के लिए सबसे पहले वो ट्रायंगल सेलेक्ट कर लो जिसमें वन टेंजेंट की वैल्यू गिवन हो। जैसा कि अभी आपने देखा था कि एक टेंजेंट की वैल्यू गिवन है, तो यहाँ पी ओ प्राइम की जो है वैल्यू गिवन है, तो हम इस ट्रायंगल को सेलेक्ट कर लेते हैं। और उस पिक्चर में आपने देखा लास्ट में कोई ट्रायंगल नहीं था, वो तो ट्रायंगल हम लोगों को क्रिएट करना होगा, राइट। तो ये पी ओ ये गिवन है, पी ओ प्राइम यहाँ हम बोल रहे हैं कि गिवन है। तो अब ट्राइंगल कौन सा बनाएंगे? तो ट्राइंगल बनाने के लिए हम ओ को ओ प्राइम के साथ जोड़ देंगे और ओ को इस पी के साथ में जोड़ देंगे, तो ये एक ट्राइंगल होगा। और दूसरा ट्राइंगल होगा ये, और इसको जोड़ देंगे इंटरसेक्ट को रेडियस के साथ में। तो देखते हैं कि कैसे जोड़ते हैं, राइट। तो एक बार दोबारा फिर पढ़ दूँ आपके लिए कि इस टाइप की जो प्रॉब्लम है उनको सोल्व करने के लिए सबसे पहले वो ट्रायंगल सेलेक्ट कर लो जिसमें वन टेंजेंट की वैल्यू गिवन हो। तो वन टेंजेंट ये वैल्यू गिवन है,
मीन्स द डिस्टेंस फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू द इंटरसेक्ट, जैसा कि इस पिक्चर में गिवन है. तो फॉर द फर्स्ट कनेक्ट ओ प्राइम विद ओ, दैट इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, राइट. तो इस ओ प्राइम लाइन को यहाँ पर इस तरीके से ये ज्वाइन कर दिया है. तो अब ये जो, और दूसरा ये जो यहाँ रेडियस पॉइंट है, इंटरसेक्ट है, इसको सेंटर से ज्वाइन करा दिया. तो ये क्या होगा, ये जो पिंक कलर का सर्कल है उसके लिए रेडियस है, राइट. और क्वेश्चन में क्या है, ये भी गिवन होगा. तो अब ये जो एंगल डेवलप होगा वो 90 डिग्री का है. तो अब आपके पास क्या ट्राइंगल बचा, ये ट्राइंगल जो है वो राइट एंगल ट्राइंगल है. और इसमें ये जो एंगल होता है ये 90 डिग्री का होगा, ये हम लोग पहले ही बता चुके हैं. तो अब क्या है कि यहाँ ये वैल्यू गिवन है, ये भी वैल्यू गिवन है. क्या आप इस वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं? यस. कैसे? बाय यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम. तो अब ये अगर ओ ओ प्राइम आप फाइंड आउट कर लेते हैं, राइट, तो वैसे ही क्या होगा, एक यहाँ पर आपका ये भी टेंजेंट है, तो इस टेंजेंट की वैल्यू जो है वो आपको फाइंड आउट करनी है, राइट. तो उसको फाइंड आउट करने के लिए क्या चाहिए आपको, तो एक तो आप रेडियस को इससे ज्वाइन कर दो, रेडियस को ज्वाइन कर दिया है, राइट. तो अब ये भी आपके पास साइड बची है, ये दोनों 90 डिग्री का एंगल होगा, इसकी रेडियस गिवन होगी, ये जो सर्कल है, और ये अननोन है. तो पाइथागोरस थ्योरम के थ्रू आप इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं. तो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को देख लें कि उस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को कैसे करना है. तो यहाँ ये क्वेश्चन है, टेंजेंट पी ए एंड पी बी आर ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट पी टू द टू कंसेंट्रिक सर्कल्स. तो यहाँ जो सर्कल्स हैं वो एक नहीं हैं, दो हैं, और कैसे हैं, कंसेंट्रिक हैं, जिनके एक ही सेंटर हैं, विद सेंटर ओ एंड रेडाई 8 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर. ऑब्वियस है कि ये जो है वो बड़ी रेडियस जो है वो 8 सेंटीमीटर की होगी, और जो छोटी है वो जो है आपके 5 सेंटीमीटर की होगी. जो पिंक कलर का है उसकी रेडियस जो है वो 5 सेंटीमीटर की होगी. तो इसकी रेडियस कितनी है वो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, वो 5 सेंटीमीटर है. और इसकी रेडियस ओ ए कितना है, वो 8 सेंटीमीटर है. ओ ए रेडियस है ऑफ द बिग सर्कल, दैट यू कैन से आर वन इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर. और ए पी डिस्टेंस कितना गिवन है, ए पी एस ओन ए पी इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर. और ये ओ बी, ये सेकेंड सर्कल की रेडियस है, ओ बी दैट इज इक्वल टू आर टू इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर. तो अब आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि जैसे कि पहले बताया था कि करना क्या है, सबसे पहले इस सेंटर को इस एक्सटर्नल पॉइंट के साथ में आप कनेक्ट कर दो. तो ये कनेक्ट कर दिया है. तो अब आपके पास एक राइट एंगल ट्राइंगल बचेगा, वो क्या है, ओ ए पी. तो हमारे पास में ट्राइंगल हुआ ओ ए पी, और यहाँ ए कितना है, वो ये 90 डिग्री का है, क्योंकि इंटरसेक्ट से आपने ज्वाइन किया है सेंटर को. तो ये रेडियस हुआ, और रेडियस और ये जो टेंजेंट है इसके बीच कितना एंगल होता है, 90 डिग्री का. तो अब आपके पास में ये ए पी भी गिवन है, ओ ए भी गिवन है, इसको अगर फाइंड आउट करना है ओ पी को, तो कैसे करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम से, राइट. तो ओ पी स्क्वायर बाय यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम यू कैन राइट, राइट. सो यहाँ पर हम लिख सकते हैं बाय यूजिंग द पाइथागोरस जो थ्योरम है उसको हमने यूज किया है. तो ओ पी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ ए स्क्वायर प्लस दूसरा ये आपका ए पी है, ए पी स्क्वायर, राइट. तो ओ ए स्क्वायर कितना है आपका, ये 8 सेंटीमीटर है, 8 सेंटीमीटर का स्क्वायर प्लस, और ए पी आपका ये 15 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर है. तो ये आपका जो आया 64 प्लस ये 225 स्क्वायर सेंटीमीटर,
राइट तो ये ओ पी स्क्वायर आया, तो हम लोगों को फाइंड आउट क्या करना है, ओ पी। तो ओ पी, ओ पी की जो वैल्यू होगी वो आएगी अप्रोक्सीमेटली यहाँ 17 सेंटीमीटर। ये कितना हुआ, 289, राइट स्क्वायर सेंटीमीटर। तो ओ पी जो यहाँ से आप निकाल लेंगे वो 17 सेंटीमीटर की ये पास आएगा, राइट। तो ओ पी इज इक्वल टू, ये जो सेंटर डिस्टेंस है राइट, जो इन दो के बीच में है, तो ओ पी डिस्टेंस मिला है। ये आर गिवन है राइट, आर टू जो गिवन है। तो अब आप बी पी फाइंड आउट कर लेंगे जो क्वेश्चन में पूछा था, देन फाइंड दी लेंथ ऑफ बी पी। तो बी पी इस तरीके से अब आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अब ये भी ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल है, ये 90 डिग्री का है, आपको ये फाइंड आउट करना है राइट। तो यहाँ जो आएगा ये आएगा आपका ओ बी पी, जो ट्राइंगल है ओ बी पी, ये 90 डिग्री का है बी जो है ना। तो यहाँ ओ बी स्क्वायर प्लस बी पी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ पी स्क्वायर, हमको क्या फाइंड आउट करना है, बी पी। तो बी पी स्क्वायर इसको आप लिख सकते हैं इस टाइप से, ओ पी स्क्वायर माइनस ओ बी स्क्वायर। तो ओ पी स्क्वायर कितना है, वो ये लिखा हुआ है स्क्वायर रूट 289, दैट इज इक्वल टू आपका, तो उसकी वैल्यू हम पुट कर देंगे। तो ये ओ पी इज इक्वल टू 17 था, तो उसका स्क्वायर हो जाएगा 289 माइनस ओ बी स्क्वायर, ये 5 दिया है तो ये हो जाएगा 25। तो आप इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये बचेगा आपका 264 एंड दैट इज इक्वल टू 2 स्क्वायर रूट, और ये इसका आंसर इतना कुछ आएगा, ये 2 स्क्वायर रूट 66 सेंटीमीटर। तो ये एक छोटा सा टिप था, तो आई होप कि आपने आइडिया कैच कर लिया होगा कि अगर दो कंसेंट्रिक सर्कल हैं तो उन कंसेंट्रिक सर्कल में क्या होगा, कि अगर एक टेंजेंट का डिस्टेंस पूछते हैं तो दूसरे का गिवन होगा, साथ साथ में जो रेडियस है दो सर्कल की वो भी गिवन होगी। आपको करना यह है कि जो सेंटर पॉइंट है, सेंटर है, और जो एक्सटर्नल पॉइंट है उसको जोड़ना है, और दो ट्राइंगल का कंसेप्ट यूज करना है, पहले और ये दूसरा। तो पहले ट्रायंगल में क्या करना है, पाइथागोरस थ्योरम यूज करना है, फिर उसके बाद में ये जब आप डिस्टेंस फाइंड आउट कर लेंगे तो इसको यूज करके फिर बीपी को फाइंड आउट करना है। तो इस वीडियो में इतना ही, आपकी छोटे छोटे कोई प्रॉब्लम है तो अभी आप उनको शेयर कर सकते हैं, और मैं इसी तरीके से ये ट्राई करूँगा कोई दूसरे कंसेप्ट को इंक्लूड करने का सिस्टमेटिक वे में जो आपको समझ आ जाए। सो थैंक्स।